वेलकम टू माय चैनल। और आज हम न्यूमेरिकल्स ऑन प्रॉब्लम्स ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा को सॉल्व करेंगे। अब हो सकते हैं इस टाइप के न्यूमेरिकल हों कि ए क्लोज राइट सर्कुलर, ठीक है ना, सिलेंडर है, ठीक है। सबसे पहले डायग्राम समझना हमें, ठीक है ना, किस तरीके से कोई भी सिलेंडर है इस तरीके से, ठीक है ना। अब यहाँ पर बस सिलेंडर का बेस पता होना चाहिए हमें, ठीक है ना, किस तरीके से। सबसे पहले अगर ये रेडियस है, ठीक है ना, जैसे स्मॉल आर लेके चले, ठीक है, तो ये भी अपने आप स्मॉल आर हो जाएगा, सही बात है ना। मतलब यहाँ पर इस तरीके से सीधी सी बात है सर्कल है, सही बात है ना, इस वजह से, ठीक है, आर। और जो ये हाइट है वो हाइट इन दोनों के बीच की, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस है हाइट, सही बात है। यहाँ तक ये है सिलेंडर का बेस, सही बात है। अब इसके कुछ बेसिक फॉर्मूले पता होने चाहिए थे हमें, कौन कौन से। सबसे पहले यहाँ पर केस क्या क्या हो सकता है कि कभी वॉल्यूम की बात करें, ठीक है ना, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कितना होता है, पाई आर स्क्वेयर एच, सही बात है ना। एक बात हमने कही थी कि वॉल्यूम है, वॉल्यूम का मतलब क्या है कि सीधी सी बात है तीन साइड होंगी, ठीक है ना, मतलब तीन साइडों की मल्टीप्लाई होगी, सही बात है ना, ये बात कही थी। मतलब जैसे क्यूबॉइड में लिखते हैं कि वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड कितना होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, मतलब तीन साइडों की मल्टीप्लाई, सेम बात यहाँ पर भी तो लिखी है। यहाँ पर ये पाई तो कांस्टेंट फैक्टर है, मतलब पाई तो एक कांस्टेंट वैल्यू है जिसकी वैल्यू होती है 22/7, इस वजह से, सही बात है। लेकिन यहाँ पर इसको हम ये भी तो लिख सकते हैं कि पाई इंटू आर इंटू एच, इस वजह से, मतलब तीन साइडों की मल्टीप्लाई। वॉल्यूम का मतलब तो सीधी सी बात ही है पाई आर स्क्वेयर एच, ठीक है, सिलेंडर के केस की बात कर रहे हैं, ठीक है। अब इसके बाद कभी हो सकता है कि यहाँ पर सरफेस एरिया की बात हो सकती है, ठीक है ना, कि सरफेस एरिया किसका, सिलेंडर का, मतलब या फिर कहो कि टोटल सरफेस एरिया, बात वही है, टोटल सरफेस एरिया कितना होगा ये बात हमें पता होनी चाहिए कि 2πRh, सही बात है। और बीच में प्लस का साइन पाई आर स्क्वेयर, मतलब टोटल सरफेस एरिया, मतलब यहाँ पर सबसे पहले इस सर्कल को देखो, ऊपर वाले सर्कल को, मतलब पाई आर स्क्वायर, लेकिन यहाँ पर टू फैक्टर आएगा, क्यों आएगा, क्योंकि दो यहाँ पर, सीधी सी बात है, एक तरीके से दो यहाँ पर सर्कल हैं सिलेंडर के अंदर, इस वजह से टू का फैक्टर आ रहा है साथ में। अब ये ऊपर वाले बेस की बात हो चुकी है, नीचे वाले मतलब ऊपर वाले सर्कल के, नीचे वाले सर्कल के सरफेस एरिया आ चुका है, इसलिए प्लस का साइन, सही बात है। और ये 2πRh किसका है, इस बीच वाले का, सही बात है ना, इस वजह से, ठीक है। जैसे अगर समझना हो कि ये फैक्टर आया कहाँ से, 2πRh, जैसे हमें ये पता होता है कि सर्कल है जो उसका पेरीमीटर को, ठीक है ना, पेरीमीटर ऑफ सर्कल, पेरीमीटर कह सकते हो या फिर सीधी सी बात है सर्कमफ्रेंस का, एक ही बात होती है, ठीक है ना, कितना होता है 2πR, ये बात हमें पता होनी चाहिए कि सर्कल का पेरीमीटर इतना होता है 2πR, सही बात है। सेम बात यहाँ पर है। अब इसमें एक तरीके से एक्चुअल में इस तरीके के इनफाइनाइट, मतलब इस तरीके से यहाँ पर सर्कल बनेंगे, इस वजह से, ठीक है ना। और यहाँ पर सभी की मल्टीप्लाई होगी, यहाँ पर 2πR का फैक्टर है, लेकिन एच क्या है, हाइट है, कितने होंगे वो इस हाइट पर डिपेंड करेगा, इस वजह से एच का फैक्टर है, साथ में ऊपर और नीचे वाले सर्कलों का सरफेस एरिया, ठीक है, ये सरफेस एरिया। कभी केस हो सकता है कि क्राउड, ठीक है ना, क्राउड सरफेस एरिया, बस उसमें कुछ नहीं करना, इस अंदर वाले की बात करनी है, तो बस यहाँ पर ये फैक्टर आ जाएगा 2πR और एच, ठीक है, बस क्राउड सरफेस एरिया, ये है यहाँ पर सिलेंडर से रिलेटेड कंसेप्ट, सही बात है, मतलब इन्हीं से रिलेटेड न्यूमेरिकल होगा, ठीक है। अब यहाँ पर क्या कहा उसने कि ये क्लोज राइट सर्कुलर सिलेंडर है, ठीक है ना, क्लोज का मतलब इस तरीके से, ठीक है, राइट सर्कुलर, ठीक है, सिलेंडर, ठीक है। अब यहाँ पर उसने कहा कि एक वॉल्यूम है, मतलब इतनी है, मतलब कॉन्स्टेंट वैल्यू है, सही बात है ना, ये कोई कॉन्स्टेंट वैल्यू इतनी है, ठीक है। अब इसके बाद क्या कह रहा कि अब यहाँ पर व्हाट शुड बी रेडियस ऑफ इट्स बेस, मतलब आर निकालना है, किसका यूज करके, इस वॉल्यूम का यूज करके, बस ये पता होना चाहिए था हमें कि वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इतना होता है पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है, वॉल्यूम यहाँ पर गिवन है इस न्यूमेरिकल के लिए इतनी है, सही बात है, पाई आर स्क्वायर एच, पाई अपने आप कॉन्स्टेंट है, ठीक है। आर निकालना है, आर निकलेगा कब, अब ये बात खुद सोच के देखो, जब निकलेगा, जब एच आ जाए, सही बात है, मतलब हमें एच निकालना है, सीधी सी बात तो ये है, ठीक है ना। अब आगे क्या है कि सो दैट इट्स टोटल सरफेस एरिया, सही बात है, एच निकलेगा कहाँ से, ये बात हमें भी पता होनी चाहिए कि कम से कम एक इक्वेशन का और यूज करें, मतलब एक इक्वेशन और आए, और वो इक्वेशन कहाँ से हो सकती है, जैसे लास्ट न्यूमेरिकल में इसके बाहर एक सफियर का केस था, मतलब वहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई हुई थी, ठीक है, लेकिन यहाँ पर वो केस थोड़ी ना होगा,
बस इतना सोचना हमें, सही बात है ना। इसलिए यहाँ पर वो दूसरी इक्वेशन कुछ इस तरीके से भी आ सकती है कि टोटल सरफेस एरिया की बात करें, टोटल सरफेस एरिया इतना होता है, सही बात है। मतलब दो इक्वेशन आ चुकी हैं, एक ये ठीक है। इसका जो टोटल सरफेस एरिया वो मे बी मिनिमम, मतलब पहले तो हमें ये चेक करना कि क्या वो मिनिमम होगा। मिनिमम कब होगा? जब डबल डिफरेंशिएशन किसका, जैसे टोटल सरफेस एरिया अगर एस को, ठीक है ना, इस तरीके से, तो डबल डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में, वो चॉइस है, वो आर लेना चाहते हो या फिर एच लेना चाहते हो, सही बात है। और अगर मिनिमम का केस है तो मतलब पॉजिटिव आ जाए, बस ये बात चेक करनी है। डबल डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में, वो चॉइस रहेगी, मतलब आर को एलिमिनेट करना चाहते हो या फिर एच को, इस वजह से, ठीक है। अभी यहाँ पर एक और बात है जिसका यूज कर सकते हो, कौन सी, कि रेडियस ऑफ इट्स बेस, मतलब रेडियस निकालना हमने, ठीक है ना, व्हाट शुड बी रेडियस, रेडियस निकालना है, तो सीधी सी बात है डिफरेंशिएशन सरफेस एरिया का, टोटल सरफेस एरिया का डिफरेंशिएशन आर के रिस्पेक्ट में ले लो। क्यों ले लें आर के रिस्पेक्ट में, क्यों, क्योंकि हमें पता है कि पहला डिफरेंशिएशन से सीधी सी बात है उसको पुट करते हैं आगे जाके जीरो के इक्वल, सही बात है, पुट करना जीरो के इक्वल, किसके लिए, मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू के लिए, सही बात है ना, इस वजह से जीरो पुट करेंगे। और अगर ये सारी इक्वेशन सिर्फ आर में हो, सिर्फ आर में हो, क्यों होगी सिर्फ आर में, क्योंकि एच एलिमिनेट किया इन दोनों इक्वेशनों में से, इस वजह से, ठीक है ना, सिर्फ आर में होगी, मतलब पाई तो होगा, पाई ये कॉन्स्टेंट वैल्यू है, उससे हमें फर्क नहीं पड़ेगा, सीधी सी बात है, ठीक है ना, मतलब सारी इक्वेशन आर में आ जाएगी, बस उसको जीरो पुट कर देना, आर की वैल्यू आ जाएगी, वही चाहिए थी हमें, ठीक है। और ये मतलब चेक करना है कि ये मिनिमम होगा, मिनिमम कब होगा, जब ये बात आ जाए डबल डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू आर पॉजिटिव आ जाए, बस इतना चेक करना है, ठीक है ना, इस न्यूमेरिकल में। मतलब ये सेकंड जो मेन बात होती है वो है ये सेकंड इक्वेशन, सही बात है, क्योंकि सिर्फ दो वेरिएबल की बात होगी, इस वजह से। वैसे यहाँ पर ये गिवन ही क्यों कहा उसने कि इतनी, मतलब इतनी एक वैल्यू है, सही बात है ना, 2156 क्यों है, क्योंकि अगर ये वॉल्यूम अगर वी हो जाता है, यहाँ पर इस इक्वेशन को देखो, पाई कॉन्स्टेंट था, लेकिन आर और एच दो वेरिएबल, वी भी तो एक तीसरा वेरिएबल हो जाता, और तीसरा वेरिएबल तो तीन इक्वेशन चाहिए, मतलब कैलकुलेशन और डिफिकल्ट होगी, इस वजह से, ठीक है ना। तो मेन काम क्या है, ये सेकंड इक्वेशन फाइंड आउट करनी, वो कंडीशन के ऊपर डिपेंड है, मतलब इसी से रिलेटेड सेकंड फॉर्मूला यूज हो सकता है, कभी पाइथागोरस थ्योरम यूज हो सकती है, मतलब ये बेसिक सी बात है, बस ये पता होना चाहिए, बस ये सोचना हमें सेकंड इक्वेशन के बारे में, आगे सिर्फ कैलकुलेशन बचेगी, ठीक है, बस इतना सोचना था। अब इसी से रिलेटेड अब सेकंड न्यूमेरिकल की, शो दैट राइट सर्कुलर कोन है, कभी हो सकता है कि कोन का केस हो, ठीक है ना, कोन का केस हो, जैसे इस तरीके से डायग्राम, ठीक है। अब यहाँ पर, ठीक है, अगर ये आर लेके चल रहे हो, सही बात है ना, आर क्या है, रेडियस ऑफ बेस, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगी एच, ठीक है ना, ये अब कोन की बात कर रहे हैं, यहाँ पर एच क्या है, यहाँ पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है एच, एच क्या है, हाइट, सही बात है ना, मतलब जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, मतलब कुछ इस तरीके की बात हो रही है, सही बात है, ये है एच, लेकिन यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना होगा, सही बात है ना, यहाँ से यहाँ तक का एल, और एल क्या होती है, स्लैंट हाइट, मतलब वो परपेंडिकुलर नहीं होगी, इस वजह से स्लैंट हाइट नाम है इसका, ठीक है। सिंपल हाइट की बात करें तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस, सही बात है, यहाँ पर मतलब बीच में 90 डिग्री एंगल बने, कहने का ये मतलब है, यहाँ पर तो कुछ ना कुछ एंगल होगा, जैसे थीटा कह सकते हो, सिर्फ समझने के लिए, ठीक है। अब यहाँ पर ये तो ही सिलेंडर के तीन फॉर्मूले, मतलब इसी से रिलेटेड न्यूमेरिकल होगा, या फिर कहो कि यही इसका कंसेप्ट है। अब यहाँ पर साथ के साथ कोन की भी बात कर लेते हैं, ठीक है ना, मतलब कोन के केस में ये तीनों बातें होंगी, ठीक है, मतलब सबसे पहले वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ कोन कितना होगा, वॉल्यूम ऑफ कोन सीधी सी बात है, ये तो है बेसिक फॉर्मूले, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, मतलब सिलेंडर का तीसरा पार्ट, ठीक है ना, मतलब इसलिए 1/3 है। इसके बाद कभी हो सकता है कि टोटल सरफेस एरिया का केस हो सकता है, टोटल सरफेस एरिया यहाँ पर सिलेंडर में कितना था, 2πrh प्लस में 2πr2। अब सबसे पहले तो इस फैक्टर को देखो, क्या लिखा है, 2πr2, मतलब दो सर्कल थे, लेकिन कोन में तो सिर्फ एक सर्कल है, ये वाला, सही बात है ना, इस वजह से मतलब सिर्फ पाई आर स्क्वायर आएगा, सही बात है। सबसे पहली बात तो यहाँ पर 2 का फैक्टर क्यों नहीं है। इससे अगली बात, यहाँ पर कितना लिखा है, 2πrh, ठीक है, लेकिन यहाँ पर सीधी सी बात है ना, तो ये केस होगा, मतलब ना तो सर्कल होंगे, सिर्फ एक ही सर्कल होगा कोन में, सही बात है ना, तो मतलब ना तो ये 2πr आना,
सही बात है, मतलब ये टू का फैक्टर तो आएगा नहीं, तो यहाँ पर पाई आर जरूर है लेकिन एच नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? अब एच तो था परपेंडिकुलर डिस्टेंस, कब? जब मतलब यहाँ पर एक तरीके से इनफाइनाइट इसके अंदर यहाँ पर सर्कल हो, मतलब इस सिलेंडर में इस तरीके का केस है, एक सर्कल है, इसके ऊपर फिर से सर्कल, इस तरीके से, इस तरीके से, सही बात है ना, इतने सर्कल और तब बना ये सिलेंडर, बस ये सोचना था हमें, ठीक है ना, बस ये बात पता होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर थोड़ी ना होगी ऐसी बात, इस वजह से ना ये टू का फैक्टर आएगा, क्योंकि यहाँ पर ये बात नहीं होगी, मतलब ये सर्कमफ्रेंस सर्कल की बात नहीं होगी यहाँ पर, ठीक है, इस वजह से, ठीक है। तो टू का फैक्टर क्यों नहीं आया? पाई आर ना ही एच की बात होगी, ठीक है ना, अब इस एच की थोड़ी ना बात होगी, यहाँ पर इस एल की बात हो जाएगी, सबसे पहले इसका, ठीक है ना, मतलब टोटल सरफेस एरिया सबसे पहले इस सर्कल का कितना हुआ? पाई आर स्क्वेयर है, सही बात है ना, मतलब हमें भी पता होना चाहिए कि एरिया है जो किसका, सर्कल का, ये पेरीमीटर होता है इतना, एरिया उस सर्कल कितना होता है, एरिया पाई आर स्क्वेयर है, तो सिर्फ पाई आर स्क्वेयर, वही तो लिखा है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर दो से मल्टीप्लाई क्यों थी? क्योंकि दो थे, इस वजह से, बीच में प्लस का साइन, और ये अब ये ऊपर वाले की बात होगी, इस वजह से ऊपर वाले की, ठीक है ना, तो यहाँ पर पाई आर और एल, यहाँ पर एच वाली बात थोड़ी ना आएगी, इस वजह से, क्योंकि ये किस यहाँ पर सर्कल होगा, ठीक है। इसी तरीके से कभी केस हो सकता है कि क्राउड सरफेस एरिया जैसे यहाँ पर था, ठीक है ना, मतलब सिर्फ इस ऊपर वाले पार्ट की बात करनी, तो मतलब सिर्फ ये वाला फैक्टर आएगा, जैसे यहाँ पर मतलब टू पाई आर नहीं आता, सेम बात यहाँ पर है, सिर्फ ये वाला फैक्टर आएगा पाई आर एल, ठीक है। अब इस न्यूमेरिकल को पढ़ो कि शो दैट राइट सर्कुलर कोन है ऑफ लीस्ट क्राउड सरफेस, मतलब लीस्ट है, मतलब मिनिमम का केस है, मिनिमा का केस है, लीस्ट, सही बात, मतलब ये इस तरीके वर्ड यूज हो सकते हैं न्यूमेरिकल में, ठीक है, बस उनका पता होना चाहिए, लिस्ट है मतलब लिस्ट होगा कब, सीधी बात है, मिनिमा का केस है यहाँ पर भी, ठीक है, मिनिमा का केस है, तो ये एक बात चेक करनी पड़ेगी कि डबल डिफरेंशिएशन, लेकिन किसका, क्राउड सरफेस का, ठीक है ना, हाँ यहाँ पर चॉइस है, मतलब इस क्राउड सरफेस को सी से डिनोट करना चाहते हो, चॉइस है, सही बात है ना, मतलब यहाँ पर सी लिख देना, या फिर एस मान रहे हो तो एस लिख देना, वो कंडीशन है, सही बात है ना, यहाँ पर पॉजिटिव आ जाए, ठीक है। अब इसके बाद ऑफ गिवन वॉल्यूम, अब उसने कहा कि वॉल्यूम गिवन है, क्यों गिवन है वो बात हमें भी पता होनी चाहिए, सिर्फ दो, मतलब सिर्फ दो वेरिएबल की बात होगी बार बार, इस वजह से, ठीक है ना, मतलब क्राउड सरफेस एरिया, अब इस फॉर्मूले को देखो, सही बात है पाई आर एल, लेकिन उसने कहा कि गिवन वॉल्यूम है, ठीक है ना, वॉल्यूम गिवन है, मतलब वॉल्यूम की बात हुई साथ में, इस ये फॉर्मूला यूज हुआ, कौन की बात हो रही है अभी यहाँ पर, अगर वॉल्यूम वी है, ठीक है, अगर कांस्टेंट ना होती, मतलब ये गिवन ना होता, तो फिर से यहाँ पर तीन वेरिएबल हो जाते, वी आर और एच, ऐसा केस मिलना नहीं, इस वजह से, हाँ हो सकता है, ये मना नहीं कर रहे हैं, लेकिन सीधी सी बात है, इसी सिर्फ दो इक्वेशन की बात होगी इस वजह से, ठीक है, तो इसलिए वॉल्यूम वी गिवन है, ठीक है। बस अभी इसका यूज करो किस तरीके से, हैज एन एल्टीट्यूड, मतलब एच हाइट मान लिया, फिर एल्टीट्यूड को इक्वल टू, ठीक है, इतना स्क्वेयर रूट टू टाइम्स ऑफ रेडियस, ठीक है, बस ये बात चेक करनी है यहाँ पर, शो करना है ये रिजल्ट, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले एक तो ये बात चेक करनी है कि जो क्राउड सरफेस है वो लीस्ट है, मतलब मिनिमा का केस है, मतलब डबल डिफरेंशिएशन पॉजिटिव आ जाए, तब हो जाएगा लिस्ट। अब इसके बाद, ठीक है ना, वॉल्यूम वी गिवन था, मतलब यहाँ पर इन दोनों फॉर्मूलों का यूज होगा, सही बात है ना, और यहाँ से भी वी कॉन्स्टेंट है, मतलब बात है यहाँ पर आर और एच की, ठीक है ना, इस तरीके से, ठीक है। और आगे क्या है कि जो एल्टीट्यूड, एल्टीट्यूड का मतलब हाइट एच, ठीक है ना, इक्वल टू स्क्वेयर रूट टू टाइम्स ऑफ रेडियस आर है, जैसे मतलब कहने का मतलब क्या है कि जो एच किसके बराबर है, स्क्वेयर रूट टू टाइम्स इंटू में आर, ये बात चेक करनी है, ठीक है, ये रिजल्ट चेक करना, मतलब शो करना, एच है जो इतना आएगा स्क्वेयर रूट टू इंटू आर। अब इसको देखो, अब इन दो फॉर्मूले में नई चीज़ क्या है, अगर इन दो फॉर्मूले में नई चीज़ कुछ इस तरीके की है, एल सिलेंटाइट की बात हो रही है यहाँ पर, सही बात है ना, क्राउड सरफेस एरिया, मतलब हमें तो इससे मतलब है, लेफ्ट हैंड साइड में इसको रखो पाई आर एल, पाई कॉन्स्टेंट है, आर वेरिएबल है, एल भी वेरिएबल है, दो वेरिएबल है, एक वेरिएबल आना चाहिए, या तो आर आए या फिर एल आए, लेकिन आएगा कहाँ से, दूसरी इक्वेशन, दूसरी इक्वेशन में भी देखो क्या है, पाई कांस्टेंट, वी कांस्टेंट, वी कांस्टेंट गिवन की वजह से आर और एच, लेकिन अंतर किस चीज़ का है, इस एच का और इस एल का, सही बात है ना, एक में तो हाइट की बात कर रहा है, लेकिन एक में सिलेंटाइट की बात हो रही है, एल क्या है, सिलेंटाइट, तो मतलब ये चेंज करना पड़ेगा, हमें तो आंसर सिर्फ एच और आर में चाहिए, मतलब एल चेंज करो,
चेंज करने का मतलब क्या है, एलिमिनेट करो, सही बात है ना। वो एलिमिनेट होगा किस कहाँ से, बस ये बात खुद सोच के देखो। यहाँ से इसको, ये क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल है, बस इतना पता होना चाहिए था, सही बात है ना, राइट एंगल ट्रायंगल है, सही बात है, राइट एंगल ट्रायंगल। तो वापिस पाइथागोरस थ्योरम में अप्लाई कर लेना। पाइथागोरस थ्योरम कुछ इस तरीके के होते हैं कि हाइपोटेनियस का स्क्वायर बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। हाइपोटेनियस कहाँ से, कौन से होते हैं हाइपोटेनियस, इस परपेंडिकुलर के सामने वाली साइड, और वो कितनी है, ये एल है, सही बात है ना, ये एल ही तो थी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एल का स्क्वायर, इतना सोचना था, एल का स्क्वायर किसके बराबर होगा, यहाँ पर बेस का स्क्वायर, सही बात है। बेस अगर आर रेडियस लेके चल रहे हो, ये वेरिएबल हम मान रहे हैं, मतलब आर यहाँ पर सीधी सी बात है रेडियस है सर्कल का, 2R भी मान सकते हो, 3R मान सकते हो, कंडीशन वो वहाँ से अंतर नहीं आएगा, ठीक है ना। बस ये पता होना चाहिए एल का स्क्वायर किसके बराबर है, यहाँ से इसको देखो, सही बात है, यहाँ पर अगर आर लेके चल रहे तो आर का स्क्वायर, बीच में प्लस का साइन, और यहाँ पर ये क्या हो जाएगी, परपेंडिकुलर तो एच है, तो एच का स्क्वायर, ठीक है। तो एल स्क्वायर इजिकल टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से एल एलिमिनेट कर लेना, ठीक है, एल को एलिमिनेट करेंगे, मतलब यहाँ से एल निकालो, एल की वैल्यू यहाँ से निकल आएगी, सही बात। एक और बात है, जब स्क्वायर रूट हटाओगे, एल का स्क्वायर है इतना, लेकिन स्क्वायर रूट हटाओगे तो एक्चुअल में प्लस माइनस का साइन आएगा, ये बात हमें पता होनी चाहिए कि माइनस साइन रिजेक्ट क्यों होता है, क्योंकि जो डिस्टेंस है, अब ये भी तो कोई ना कोई डिस्टेंस है, डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं होना, इस बात का मतलब है कि डिस्टेंस या तो जीरो या फिर पॉजिटिव, सही बात। बस ये बेसिक सी बातें, उनका यूज करो सभी का, बस एलिमिनेट करो, आगे बस ये डबल डिफरेंशिएशन पॉजिटिव, ये आंसर सेव करना, ठीक है ना, बस आगे सिर्फ कैलकुलेशन बचेगी, ठीक है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए थैंक यू।